गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि अर्जुन उस तत्व ज्ञान को जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा, जिसके विषय में कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे विस्तार से कहा गया है, जो भगवान ने स्वयं आकर बताया है, परम अक्षर ब्रह्म ने वो ज्ञान, वो कबीर वाणी, वो तत्व संत, वो तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो यह पहचान बताई है 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कि वो कैसा होगा तत्वदर्शी संत, के सभी विभागों को, इस संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स को बता देगा सवेदवित। तो परमेश्वर स्वयं आते हैं, अपने ज्ञान का आप पर ही जानकारी देते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अक्षर पुरुष ये तना समझो वृक्ष का, और सर्वपुरुष ये गीता ज्ञानदाता है। सर्वपुरुष तो श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है, ये एक मोटी डार समझो, तना के बाद तुरंत जो मोटी डार होती है, फिर उसके तीन शाखाएं हों, उसमें तीनों गुण रूपी शाखा है, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, सम गुण शिव जी, ये तीनों देवा शाखा है और पात रूप संसार। ये परमेश्वर ने, कबीर देव जी ने स्वयं ही आकर के तत्वदर्शी संत की भूमिका की थी। उन्होंने अपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में, ये ज्ञान पहले ही लिखा हुआ है। 15वें अध्याय के 16 और 17 में तीन प्रभु बताए हैं, एक सर्वपुरुष, एक अक्षर पुरुष। सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष जितने इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान हैं, और इन ये दोनों भगवान भी नाशवान हैं, जीवात्मा किसी की नहीं मरती। फिर 17वें श्लोक में तुरंत कहा 15वें अध्याय के उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारते, ये लोक धर्म अविश्य विवृति अवैश्वर है। उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ परमात्मा, वास्तविक भगवान तो कोई और है, इन दोनों से अन्य है, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष से, और जिसे परमात्मा कहा जाता है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। जैसे पूरे पेड़ को जड़ से खुराक मिलती है, आहार मिलता है, तो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म ये सभी का पालन करता है। जिसकी जैसी भी भक्ति शक्ति होती है वही सबको प्रदान करता है उसके कर्म अनुसार। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की जो साधना करता है उसी को प्राप्त होता है। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है, इन तीनों भगवानों के मंत्र बताए हैं, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष के, ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविद समर्थ है। ब्रह्मणे माने सचिदानंद घन ब्रह्म की साधना के, उसकी प्राप्ति के, ये तीन मंत्र का जाप का निर्देश है। निर्देश माने फाइनल ऑर्डर, नथिंग एल्स, आदेश भी और निर्देश भी कि यही करना है, नथिंग एल्स। ओम तो सर्वपुरुष ब्रह्म का है मंत्र, सर्वब्रह्म का है, और तत् और सत ये सांकेतिक, ये दास बताएगा, इस विश्व में इस दास के अतिरिक्त कोई नहीं है। इन कोड वर्डों को जानने वाला है, ये तत् शब्द सांकेतिक है, ये अक्षर पुरुष का है, और सत भी सांकेतिक है, ये परम अक्षर पुरुष का है। तो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में कहा है कि जो उस तत्वदर्शी संत से उस परमात्मा के पाने की विधि प्राप्त करके जो उसकी साधना करता है, उस भक्ति की शक्ति से, उस मंत्र के जाप से, वो उस परम अक्षर ब्रह्म को ही, उस परम परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाता है, उसके पश्चात इस उलझे हुए अज्ञान की गुत्थी को उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट कर उसके पश्चात उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने इस पूरे ब्रह्मांडों की रचना की है, अर्थात संसार रूपी वृक्ष की परवर्ति, जिससे विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, और केवल उसी की भक्ति करनी चाहिए, अन्य की नहीं। गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है, ये ब्रह्म बोल रहा है।
अपुनात्मा परमेश्वर कबीर जी कहा करते थे, गुरु बिन काहु न पाया ज्ञान, जो थो था भूस छड़े मूड किसान। यानी अच्छा किसान होगा वो थोथे भूस न थोड़ा छड़ेगा, को मूर्ख कुटेगा थोथे भूस को, तो मूर्ख कुटेगा जो सोचे इसमें मैं कुछ कणक निकाल लूंगा, बुद्धिमान नहीं करेगा ऐसे। तो कहते हैं गुरु बिन काहु न पाया ज्ञान, जो थोथा भूस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। ओए होए, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी और समझे नहीं सार रहे अज्ञानी। ये ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा और सतयुग के ब्राह्मण, इनको वो तत्वदर्शी संत नहीं मिले जिस कारण से ये तत्व ज्ञानहीन अज्ञानी रहे। आपने दुर्गा का ज्ञान देख लिया कि ब्रह्म से ऊपर कोई शक्ति नहीं। ब्रह्म कहता है कि परम अक्षर ब्रह्म है, उसकी शरण में जाओ। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि तू सर्वभाव से उस परम अक्षर ब्रह्म की, उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अपुनात्मा, गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 के विषय में किसी से प्रश्न किया जाता है, ऋषि महर्षि आचार्यों से, कि भगवान गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है, जहाँ जाने के बाद परम शांति होगी, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। ये तत्व ज्ञानहीन अज्ञानी कहते हैं, अरे किसके बारे में कहता हो, वो तो अपने बारे में ही कह रहे हैं। फिर मेरी शरण में आ जा, 18वें अध्याय के 66वें श्लोक को भी इन्होंने अनर्थ कर रखा है। व्रजमाने जाना होता उसका अर्थ आना कर रखा है, तत्व ज्ञानहीनता के कारण। अब श्री कृष्ण की शरण में अर्जुन अर्पे ले थे, युद्ध की तैयारी होगी, और श्री कृष्ण जी की शरण में थे पहले भी, फिर वनवास में गए क्योंकि ये उनके गुरु थे श्री कृष्ण जी, पांडवों के आध्यात्मिक गुरु थे। और श्री कृष्ण के शरण में रहते रहते इनकी वो दुर्गति हुई, पूरा जो है हिमालय में चाकर गले ये। तो कहने का भाव ये है कि श्री कृष्ण जी की शरण में शांति नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने भी शांति नाम की कोई चीज़ नहीं जानी। जैसे विष्णु रूप में श्री कृष्ण कहो चाहे विष्णु जी, ये आप कह रहे हैं कि मैं कभी तो तप करता हूँ, फिर युद्ध करता हूँ, राक्षसों को मारता हूँ, मुझे चैन नहीं। तो पुणात्मा, इसलिए गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण नहीं बोल रहा गीता। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके श्री कृष्ण जी का शरीर प्रयोग किया था इस काल ने बोलने के लिए। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9 में ये कहता है, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं, मैं ऐसे कर्म करता हूँ जैसे एक बार राक्षसों का युद्ध हुआ, देवता आ गए, देवताओं ने प्रार्थना की विष्णु जी की, विष्णु रूप में एक प्रकट हो गया ये काल, उनको आशीर्वाद दे दिया कि तुम प्रकुश को लड़ने के लिए तैयार करो राजा को, मैं उसमें प्रवेश करके और सब राक्षसों को मार दूंगा। ऐसा ही किया, ऐसे पुरिंजय के शरीर में प्रवेश करके इसने उन गंधर्व का नाश कर दिया, भूत की तरह उसमें प्रवेश कर गया और उनको मार डाला। ऐसे श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके इसने महाभारत करवा दिया और गीता जी का ज्ञान बोल दिया। गीता जी के ज्ञान में दो तरह का ज्ञान है, एक तो वेदों वाला ज्ञान है जो सही है, और एक ज्ञान इसने अपना मत प्रयोग किया है, प्रवेश किया है, जो इसका मत ये जी वेदों से मिलता है तो सही है, अन्यथा वो तो युद्ध कराने के लिए अटकलबाजी ही थी। अब पुण्यात्मो, ये तो आपके सामने निष्कर्ष हो गया कि न तो ब्रह्मा जी को ज्ञान, ना नारद जी को ज्ञान, ना व्यास जी को ज्ञान, ना विष्णु जी को ज्ञान, और ना देवी को ज्ञान कंप्लीट, और ना ब्रह्म को ज्ञान। वो कहता है कि मैं नहीं जानता उस परमात्मा पूर्ण परमात्मा के विषय में भक्ति विधि, वो तत्वदर्शी संतों से जाकर पूछो। अब सतयुग के ऋषियों को कैसा ज्ञान था वो दिखाते हैं, सतयुग के ब्राह्मणों को कितना ज्ञान था ये देखना। छठा स्कंध पृष्ठ 414।
जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। उनका वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे। अब दिखाते हैं दुर्गा क्या कहती है, और कहते हैं प्रत्येक गांव में शक्ति का यानी दुर्गा का मंदिर उद्घाटन हो। इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। अब इन अज्ञानियों ने ही ये मंदिरा के लठ कटवा रखे हैं। सतयुक्त प्रयत्नशील हैं ये डड़े डुआन के। अब ये तो कह रहा है कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा किया करते हैं। और देखिए कलयुग के ब्राह्मणा का कैसा उपमा दे रखी है, इसी पर 414 प्रश्न है। कहते हैं धर्म की यही स्थिति त्रेता में भी रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण कहे जाते हैं। अब कलयुग के ब्राह्मणा की यह सुनाई दी कहानी सारी, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया। पुण्यात्माओं, आप जी को जो दास ने शब्द बोले थे सबसे पहले कि न तो श्री ब्रह्मा जी को ज्ञान, ना विष्णु को, ना शिव को, ना दुर्गा को, दुर्गा जी को, न ही सतयुग के ब्राह्मणों को, यानी आज तक के किसी ऋषि महर्षि को वेद ज्ञान नहीं, इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश, किसी देव को भी नहीं। तो वर्बली कहना था, बोला था तो किसी का गले उतरा नहीं हो, और अब ये प्रमाण दिखा दिया तो इसके सामने अग्रम मग्रम सारी खत्म हो जाती है। और अब भी कोई अगर मगर रखता है और नहीं मानता है, उसके लिए परमात्मा कहते हैं जानबूझ साची तजय और करे झूठ ते ने वाक संगत है प्रभु सपने में भी ना दे। अब परमात्मा पाना किस विधि से हो, तीन मंत्र का जाप, नथिंग एल्स। यदि तुमने ब्रह्म की साधना करनी है तो ब्रह्म लोक चले जाओगे, ओम नाप, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। और ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी का भी जन्म मृत्यु कभी समाप्त नहीं होता। और पुण्यात्माओं, हम सभी को यह जन्म और मृत्यु का रोग लगा हुआ है, और जन्म और मृत्यु का रोग नहीं कटेगा तो हम परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त नहीं हो सकते। उसके लिए परमात्मा कहते हैं जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना, जग। भाई जन्म मरण का रोग लग्या है या तृष्णा बड़ी खासी, जन्म मरण का रोग लग्या है या तृष्णा बड़ी खासी, आवागवन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी, ही जग सारा रोगियो रे, जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे। भाई देखा सच्चा सतगुरु कोई है ना पूज,
इन जूठों जगपतिया सी साचा सतगुरु को न पूजे, इन जूठों जगपतिया सी अंधे की बां गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी ही जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया ना तत्व विचारा। देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया ना तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पे युकाल ठोक पंजारा, जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वैद न जाण्या जिन, जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। अब क्या बताते हैं कि जन्म मरण का रोग लग्या या तृष्णा बढ़ रही खांसी और आने और जाने की, या डोर गले में और पड़ी काल की फांसी। अपनात्मा गीता ज्ञान दाता कहता है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो तत्व ज्ञान विस्तार से कहा गया है, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। उसमें कौन सी साधना ठीक है, कौन सी गलत है, ये विस्तार से बताई गई है। उससे ज्ञान ग्रहण कर और तत्वदर्शी संत ही उस ज्ञान को ठीक ढंग से समझा बुझा पाएंगे। तो क्या लिखा सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, सट दर्शन सट बेख कहावे, बहुविध धुंधु धार मचावे, तीर्थ व्रत करें तर बीता, ये वेद पुराण पढ़त हैं गीता। यो भी वैदा है वैधे से भेद अलैदा, यो भी वैधा। चार संप्रदा बावन दवारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे, ये माला घाल हुए हैं मुक्ता, सट दल उवा बाई बकदा। हाय हाय, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये बात कही थी और फिर अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को आके बताया था। अब गरीबदास जी बता रहे हैं के सट दर्शन, ये सट भेष कहा, छह प्रकार के ये दर्शनी हैं, छह प्रकार के, जैसे गिरी पुरी नागा सन्यासी वैष्णो, इस प्रकार के ये छह प्रकार के हैं, दस नामी जिनको कहे हैं। कहते ये छह प्रकार के ये पंथ चले हुए हैं और इनकी भक्ति देखे लोग ढूंढा ठाई दिखे और कह कहेगा पता नहीं। सट दर्शन सट भेख कहावे, बहुविद धुंधु धार मचावे। धुंधु धार कैसे, कोई तो ऊपर न पैर कर रहा है, नीचे न सिर कर कर न खड़ा तपस्या कर रहा है, कोई खड़ा ही तपस्या कर रहा है, कोई बैठ कर तूना के ऊपर तप कर रहा है, कोई झरनों के अंदर खड़ा है, कोई पानी में खड़ा है, और कोई किसी प्रकार की कोई योग अभ्यास में लग गया है। ईसा दिखे जन ढूंढा ठा रहे हैं,
अब परमात्मा कहते हैं सट दर्शन सट भेक कहावें, बहुविध धुन धुन धार मचावें और तीर्थ व्रत करें तरबीता, वेद पुराण पढ़त हैं गीता। ये चार संप्रदा बावन द्वारे जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे, ये माला घाल हुए हैं मुक्ता, ये सट दल उवा बाई बकदा। अब ब्रह्मा विष्णु महेश तक और इन सब दुर्गा तक और कलियों के ब्राह्मणों तक आपने देख लिया, सतयुग के ब्राह्मणों तक, ये सब उवा बाई बकदे हैं, किसी के पास यथार्थ ज्ञान नहीं। कहते हैं गीता और भागवत पढ़े ना बुझ शब्द ठिकाने नु, ओए गीता और भागवत पढ़े और वेदों को पढ़ें, किसी के पास यथार्थ नाम नहीं। कोई कहे हरे हरे राम राम देशाम सारो देशाम, बोला बस कोई नाम जप लो उसी से मोक्ष हो जा। अरे गीता जी को नित पाठ करो, गीता जी का श्रीमद् भगवत गीता एक विधान है प्रभु का, और उसके अनुसार साधना करने से उसकी प्राप्ति होगी, उसमें जो मार्गदर्शन किया है। पढ़ें गीता और मंत्र करें मनमुखी, तो कैसे उनका कल्याण होगा? सात जन्म भी नहीं हो सकता, आप भी नरक में और साथ में गुमराह करने के दोषी हो रही है संत और ऋषि मंडलेश्वर आचार्य। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुर नहीं चोट निशाने। अपुण्यात्मा हमारे सदग्रंथ जो हैं ये बहुत ही गुड रहस्य युक्त हैं, परंतु गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बो छड़े मूढ़ किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे ऋषि को भी रास्ता नहीं मिला, 84 लाख योनिया भोग के गधा बना पजावे खर, खर माने गधा। और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़े, वो कौन सा कि तत्वदर्शी संत की खोज कर, जो गीता जी के चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है और फिर 15वें अध्याय के 1-4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की ये पहचान है, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आती। अब गीता जी में जैसे 17वां अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है ओम तत्सत इति निर्देश है वरुण त्रिविध समर्थ है। अब इन्होंने क्या नाम देना शुरू कर दिया, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, ये कोई मंत्र है? हरि कहाँ लिखा है इसमें? श्री मद भगवत गीता जी में हरि नाम नहीं है, और ओम तत्सत ये सीधा मंत्र नहीं है। ये वही कारण है कि वस्तु कहाँ खोजे कहाँ, वस्तु कहाँ ढूंढे कहाँ, किस विद लागे हाथ, एक पलक में पाइयो हो भेदी ले लो साथ। एक समय एक लाला जी ने एक सेठ के पास बहुत धन था, उसने अपने पुत्रों से को कह दिया था भाई मैं मरूंगा जब बताऊंगा तुम्हारे तने, तुम पैसा खराब कर दोगे और मैं कहीं लिख दूंगा वही में खोज लेना। अब उस सेठ की मृत्यु होगी, उसके अंतिम संस्कार करके पुत्रों ने सोचा भाई पिताजी ने बताया था कि मैं धन कहीं दबाऊंगा और वही में लिख दूंगा, कोड वर्डों में तुम समझ लेना। उसमें लिख रखा था कि मंदिर के गुम्बज में रात्रि के बारह बजे लिख दिया भी, आसोज की 14 के दिन, आसोज उतरते की 14 के दिन मंदिर के गुम्बज में इतना धन दाब रखा है, पूरी डिटेल दे रखी। अब उन्होंने उनके आंगन में एक मंदिर बना रखा था, उन्होंने खुद अपना पर्सनल, उन लड़कों ने वो मंदिर का गुम्बज तोड़ दिया, गुम्बज जो ऊपर का गोल गोल पोर्शन होता है वो तोड़ दिया, उसमें कुछ नहीं पाया। अब उस सेठ का एक मित्र था दूसरे गांव में, उसके पास गए वो दोनों बच्चे के, ताऊ जी हमारे पिताजी ने जहां धन लिखा था वो मिला नहीं, हमारे साथ धोखा कर गए,
हमारे साथ धोखा कर दिया हमारे पिता ने। उताऊ बोला भाई कहाँ लिखा है? भाई में लिख रखा था मंदिर के गुम्बज में, इतने रुपये दाब रखा, उन्हें फोड़ के देख लिया, कुछ नहीं पाता वो, और गणाए धन बता लिख रखा सुनत। वो उसका जो मित्र था वो आया उसके पिता का, उसने कहा वो बही दिखाओ मुझे। उसने बही देखा कि भाई आसोद सुदी चौदस रात्रि के 12 बजे। तो वो कहने लगा भाई इस गुम्बज ने तुम फिर बनाओ उसी तरह, फिर पाओगा धन। उन्होंने वैसे ही वो गुम्बज फिर बनवा दिया एज इट इज, और फिर चांदनी चौदस लिख रखी थी, चांदनी चौदस। ने बोला 14 दिन आऊँगा मैं फिर धन बताऊँगा। अब 14 वाले दिन अब उस मंदिर के गुम्बज की छाया जहाँ गई थी उसके निशान लगा दिया कि यहाँ जमीन में खोद के देखो, वहाँ खुद जाते न्यू का न्यू पाया गया वो। अब कहते हैं वस्तु कहाँ और खोजे ढूंढे कहाँ, किसी भी लाग गए हाथ एक पलक में पाइयो वेदी ले लो साथ। अब इन्होंने सब ने गुम्बज फुड़वा डाले, हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत। अब ये कोड वर्ड है इसके अंदर ओम ब्रह्म का, तत् ये सांकेतिक है और सत भी सांकेतिक है। ये ओम तो सर्वब्रह्म का सर्वपुरुष का, और तत् ये सांकेतिक शब्द ये दास बताओगा ये अक्षर पुरुष का, और सत ये सार शब्द है ये परम अक्षर ब्रह्म का। अब आपने सुना सार शब्द सर जीवन बूटी, घस घस अंग लगावे, कहे कबीर तुम सत्कर्मा नो ये जन्म मरण मिट जावे। तो यहां क्या बताते हैं, बैरागी बैराग न जाने बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। कहते सतगुरु के बिना निशाने चोट नहीं लग सकती, यानी ठीक ठिकाने की भक्ति सही भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती आप जी को। जैसे मंदिर के गुम्बज को फोड़ डाला और लिखा कहाँ था वो कोड वर्ड थे, ऐसे ही गीता और इन सदग्रंथों में कोड वर्ड हैं, इनको ये गुम्बज फोड़नी है ऋषि में ऋषि समझ नहीं सके। पढ़े गीता जी अन्नों को हरे राम राधे राधे श्याम मिला दे नाचर कूदे, ये कोई साधना है ये कोई भक्ति है इनकी। बैरागी बैराग न जाने बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने, बारा बाट बटंब बिलोरी सट दर्शन में भक्ति ठगोरी। ओए होए इन सट दर्शनों में गिरी पुरी जितने ये वैष्णव और संत ये हैं इनकी भक्ति ठगोरी की है, इनके पास यथार्थ भक्ति मार्ग नहीं है, ये गलत साधना कर और करा रहे हैं। सन्यासी 10 नाम कहावे हैं, शिव शिव करे न संशय जावे, निर्वाणी नी कच्छ निसारा ये भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। ये ब्रह्म तक की साधना भी ना करते, हरे राम 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 हरे राम, मतलब कोई नाम जाप कर लो, फिर गीता जी के बोलने क्या जरूरत थी, जब कोई मंत्र जाप कर ले। वेद पुराणी कथा कहानी पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले, अब कहते हैं वेद पुराण पढ़े ये केवल कथा कहानी बना बना कर अपने हिसाब से इन्होंने जनता को सुना दी, इनके अर्थ इनसे खुले नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहते हैं गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म कह रहा कि सर्व धर्मान परितज माम, मेरे सतर की जितनी भी धार्मिक पूजाएं हैं साधनाएं हैं मुझ में त्याग कर परितज माम मुझ में छोड़ दे, एकम शरणम व्रज, एकम जिसके बराबर दूसरा नहीं है वो परम अक्षर ब्रह्म की शरण में व्रज माने जा, अहम तवा सर्व पापे भ्या मोक्षामी मा सुच। और ये कह हैं कृष्ण जी कह रहे हैं मेरी शरण में आ जा। अरे इंग्लिश वर्ड गो, गो माने जाना होता है, और कहीं पर गो शब्द लिखा हो सेंटेंस के अंदर उसका अर्थ कोई आना लिखता है वो कितना बुद्धिमान होगा, अंडरस्टूड है, कितने विद्वान थे आचार्य जी ने वर्धमान ने आना बना दिया, और श्री कृष्ण से ऊपर इनकी बुद्धि गई को ना। सन्यासी बैरागी सेवड़े, बैरागी सन्यासी सेवड़े ये तन पर छार लगावे है, ये 500 नार 2500 लड़के धूं धूं धौर मचावे है।
अब परमात्मा बहुत गहराई से समझा है, कहते हैं बैरागी सन्यासी सेवड़े ये तन पर छार लगावे हैं और पांचों नार पच्चीसों लड़के धूं धूं धार मचावे हैं। अब जैसे घर त्याग जाते हैं, परमात्मा ने कहा एक नारी त्याग दीनी पांच नारी गेल वे, पाया न द्वारा मुक्ति का सुखदेव करी बहु सैल वे। कहते सुखदेव ऋषि ने भी मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई, तुम तो पृथ्वी पर घूम रहे हो, उस गुफा में भगवान पावेगा, उस मंदिर में पावेगा, उस फलानी तालाब में पावेगा, तीर्थ में पावेगा, और सुखदेव तो ऊपर भी घूमया करते थे स्वर्ग स्वर्ग में, उसने कितना भगवान ना पाया। यानी मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई। एक नारी त्याग दीनी पांच नारी गैल वे, पाया न द्वारा मुक्ति का सुखदेव करी बहु सैल वे। आदमी जब प्रेरित होता है भक्त ज्ञान से, वो यूं सोचता है कि मैं घर त्याग दूं, कि तूने एक नारी को भक्ति बाधक मान लिया, इस कारण से उसको त्याग कर तू चला गया जंगल में। अब परमात्मा कहते हैं कि तेरे साथ पांच और हैं भक्ति बाधा करने वाली, पांच नारी और हैं, काम क्रोध मोह लोभ और अहंकार, इन न त्याग तू। तो क्या बताते हैं, बैरागी सन्यासी सेवड़े तन पर छार लगावे हैं, ये पांचों नारी पच्चीसों लड़के दूंदू धार मचावे हैं। जैसे एक बार कुंभ का मेला लगा था हरिद्वार में हर की पेड़ियां पे, और वहां पर यही सटदर्शनी महात्मा गिरी पुरी नागा कनपाड़े नाथ वैष्णो ये सब अलग अलग अपने ग्रुप में जाकर वहाँ खड़े इकट्ठे हो गए, और जो समय निर्धारित किया गया था कि इस समय हर की पेड़ियों पर स्नान करना है, पर भी इस समय लगेगी, सबसे पहले नागा चले गए। ये शंकर जी के पुजारी हैं नागा, और वैष्णो विष्णु जी के पुजारी, वैष्णो ने जाके कहा नागाओ तुम बाहर आओ, पहले हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। नागा कहने लगे हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम कोई वस्त्र भी तन पर नहीं रखते हैं, हम फक्कड़ फकीर हैं, हम सर्वश्रेष्ठ, हम प्रथम स्नान करेंगे। वैष्णो कहने लगे तुम पशु की तरह नंगे फिरते हो, टट्टी के हाथ बिना धोते सिरड़ फिरड़ो, लाख राख लपेट रहे पशु की तरह, तुमने क्या जरूरत है स्नान करने की, बाहर मरो हम नहाएंगे पहले। अब वो नाड़ा नूना जब भूल बाल गए, गुट्टम गुट्टा हो गए, 25,000 कटका मर गए ये तीनों त्रिगुण उपासक। तो यहां उसी का विचार वही के वर्णन कर रहे हैं परमात्मा, बैरागी सन्यासी सेवड़े तन पर छार लगा हुए हैं, छार माने राख, और पांचों नार पच्चीसों लड़के ये धूंधू धार मचा हुए हैं, ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, कहते अंदर धूंधू धार मचा रहे, तुम्हारा यू कर दिया नाश, 25,000 कटका मर गए, क्या गंगा का जल खराब हो जाना था, 2 मिनट पाछे नहा लो, पर बिकुण सिवा 5 मिनट की हो है, और नाश कर दिया। अब क्या बताते हैं, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ झोर बदा हुए हैं, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदा हुए हैं, और काटे शीश नहीं दल करुणा वो जुगम साध कमा हुए हैं, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदा हुए हैं, हर पैड़ी हर हेत ना जाना वाजा तेग चला हुए हैं। हर की पैड़ी कहो, भगवान के प्रति तुम्हारा प्रेम भी नहीं, भगवान का घाट बताओ कि यहाँ भगवान की पैड़ी, और भगवान की छाती पर नाश कर दिया, इतने आदमी मार डाले तुमने, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदा हुए हैं,
हर पैड़ी हर हेत न जाने भाजा तेग चलावे हैं। काटे शीश नहीं दिल करुणा ये जग में साध कमावे हैं। जो नर उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। इन तीनों गुणों के उपासकों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के उपासकों को यहाँ कह रहे हैं परमात्मा अपनी वाणी में कि इनको तुम संत मानकर इनके पास जाता है उनको भी नरक भेज देते हैं वो, क्योंकि ना उनके पास ज्ञान है और ऊपर से उनका ऐसा स्वभाव है। और यही गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में स्पष्ट किया हुआ है कि तीनों गुणों से तर्गुणमय माया के से जिसका ये ज्ञान हरा जा चुका है वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है मेरी साधना भी नहीं करते। गीता ज्ञानदाता अपनी साधना के विषय में अध्याय नंबर सात के श्लोक 16 और 17 में स्पष्ट करते हैं 18 तक कि मेरी साधना भी 4 प्रकार के करते हैं, अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। अपुणात्मा परमात्मा की जो वाणी है वो तत्व ज्ञान हम आपको सुना रहे हैं, जिसमें ये ज्ञान बताया कि कौन सी करनी चाहिए कौन सी साधना ना करनी चाहिए। कच्छ भेख कहावे भांडी घट में पैठी दुविधारांडी, नारी 5-25 पूता ता कारण फिरता रूता रूता अजरी बजरी करें बियाना, जिन शब्द अतीत महल नहीं जाना, धोती नेती नौली कर्मा इंद्री नाल चलावे वर्मा, गज कर्मी गुरुआ इक चेरा दोहवे आंत कमल नित फेरा, सटकर्म बंधन है भाई चोला पाख लगे नहीं काई, पांचों मुद्रा करें बियाना जासे भेद अगोचर जाना। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक उसमें बताया गया है कोई तो देवताओं की पूजा करता है और कोई अपने हठ योग करता है, कोई आसन योग करता है, कोई प्राणायाम आदि करता है और कोई अपना मुंह पर पट्टी बांध कर जैसे अहिंसावादी यानी व्रत करता है, मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमना जीव हिंसा आदि कर ना करना, तो कहते हैं उसके विषय बता रहे हैं कि पांचों मुद्रा करें बियाना जासे भेद अगोचर जान्या, 84 आसन बस कीने अनरागी नी तत्न चीने। कुछ ये आसन करते हैं, योग करते हैं, कोई क्रियाएं करते हैं जैसे धोती नेति आदि करते हैं, कहते हैं ये भक्ति मार्ग में इनसे मोक्ष नहीं, ये तो एक वैसे अपनी अपनी साधना ठीक मानकर ये सब कर रहे हैं। सुन मंडल सतलोक बसेरा भोर ना हंसा कर हैं फेरा, सतलोक से सतगुरु आए अनसा आन शब्द बरमाए, बंदी छोड़ कबीर गुसाई द्रव्य नूर जल मिले झाई, अदली आद कबीर पियारे जिन हंसा भव जल आन उबारे। गरीबदास जी कह रहे हैं अपने कबीर भगवान के बारे में कि सतलोक से सतगुरु आए अनसा आन शब्द बरमाए, उस परमेश्वर ने आके यथार्थ नाम हमारे को बताया। लख 84 बंधन तोड़े अनरागी से चश्मे जोड़े, शब्द बिहंगम सैन उदासी सुन मंडल रहते अविनाशी। सुन मंडल में ऊपर रहते वो परमात्मा, सपत अंड पर धाम हमारा जा ब्रह्मा विष्णु वेद निबानी शेष महेश गणेश न जानी। अब देखो वही बातें हैं कि जहाँ ब्रह्मा विष्णु और वेद आदि ने भी वो ज्ञान नहीं समझा और शेष महेश गणेश इन्होंने भी वो ज्ञान नहीं समझा, इनको भी पता नहीं उसके बारे में। अब क्या बताते हैं, मन माणिक लहर समंदरे
मुरजीवा नग सीप न सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे, मन माणिक लहर समंदरे। मुरजीवा नग सीप न सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे, मन माणिक लहर समंदरे। मुरजीवा नग सीप न सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। ओए होए, परमात्मा ने अपनी वाणी में कहा है मोती मुक्ता यानी मोक्ष प्राप्ति का जो मोती रूपी यानी वो मूल धन है, वास्तविक जो मंत्र है उसका ज्ञान नहीं है। किनको? मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन चश्म इनका, फेरा मोतिया बंदरे। अब इन मंडलेश्वरों को और इन संस्कृत के ज्ञाताओं से कोई वार्ता करता है, हिंदी थोड़ी संस्कृत गणी बोलना ये, और सामने वाला ने सोचा भाई विद्वान ने पढ़ा है तो कति सब गोट रखे हैं इसने, हैं संस्कृत का। अब गीता जी के ऊपर टिप्पणी करते हैं या आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा आप सुन रहे हो, इनसे प्रश्न किया जाता है, उवा वाई बांडे प्रश्न कुछ करें उत्तर को रख देंगे, हैं तो कहते हैं ये संस्कृत उसी समय सुना देते हैं पूरी बोल बोल के, और कह कह का पता नहीं संस्कृत में लिखा क्या है, वास्तविक ज्ञान क्या दे रही है हमारी पवित्र सदग्रंथ। कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। आपने देख लिया ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और सतयुग के ब्राह्मण, सतयुग के ब्राह्मण का यू हाल है, फिर बाद के तो छोड़ दे गल, उन्होंने पता है कह कहेगा नहीं हुआ भाई बक्के सारे। विष्णु जी कह रहे मैं दुर्गा से ऊपर भगवान नहीं जानता, ब्रह्मा जी कह विष्णु सर्वेश्वर है, नारद जी ये कह रहे हैं, व्यास जी ये बोल रहे हैं, और सतयुग के ब्राह्मण का इतिहास आपने पढ़े लिया, वो दुर्गा की पूजा करते थे। दुर्गा कहती है ब्रह्म पूजा करो, ओम नाम उसका जाप है, नथिंग एल्स, वो ब्रह्म लोक में रहता है, वहाँ जाओ और ब्रह्म लोक पर्यंत सभी जन्म मृत्यु के अंदर आठवें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी स्पष्ट करती है। और ब्रह्म कहता परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो, और उसके बारे में नहीं जानता तत्वदर्शी संत से पूछो वो बताएंगे। तो वो तत्वदर्शी संत इस दास को बना के भेज रखे भगवान ने, जाके अब किसी का दाव लगे तो लगा लो। अब परमात्मा कहते हैं मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवा नग सीपन सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवा नग सीपन सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन चश्म इनका, फेरा मोतिया बंदरे। अब जैसे किसी का सफ़ेद मोतिया बंद का रोग हो जाए आँख में, आँख तो उसकी बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देती है, जैसे खूब दिखता होगा उसको दिखता ना कति नपटंदा होता हो, ऐसे ये विद्वान पुरुष कहलाते थे, मंडलेश्वर कहलाते थे और संस्कृत के ये विद्वान कहलाते थे। इनको अज्ञान रूपी मोतिया बंद हो रहा था सबके, और दिखो थे बड़े विद्वान संस्कृत नु धारावाहिक बोल दें डटे नहीं डटे। नर नारायण देहे पाके, जय कटिया ना जमका फंदरे। ओए होए, कहते मनुष्य नर नारायण देहे पाके, भगवान जैसा शरीर प्राप्त करके यू मनुष्य का, क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा ही रचा है, इसकी अपने जैसा इसने बनाया है। नर नारायण देही पाके, जय कट्याना जमका फंदरे। रतन अमोली दर्शत नाही, दृग वाकी जंदरे।
कि मनुष्य जीवन पाकर भी यदि मोक्ष नहीं हुआ तो धक्का रहे उनके जीवन को। पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी भजन करें गोविंद रे, भाव भक्ति जा हृदय होई फिर क्या कर है सुरपति इंद्रे, इंद्री कर्म ना लगे लगारम जो भजन करे निर्दुंद्रे, इंद्री कर्म ना लगे लगारम जो भजन करे निर्दुंद्रे, गरीब दास जग कीर्ति होगी जब लग सूरज चंद्रे, गरीब दास जग कीर्ति होगी जब लग सूरज चंद्रे। अब क्या बता रहे हैं कि भाई परमात्मा की भक्ति करने से मोक्ष होगा। मन मान सरोवर मेल रे, भव सागर से पार उतारे वो अगम अगोचर खेल रे। भाई श्रवण बिना शब्द एक सुनिए पर खोता ही बलेल रे, गगन मंडल में ध्यान धरो जा दीपक है बिन तेल रे। चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसें ये जग चुगता डेल रे। एक पुन्नी एक पापी आया एक है सोम दलेल रे, गरीब दास एक सतनाम भजन बिन सब ही जम की जेल रे। अब हम पहले गरीब परमात्मा कबीर जी की एक वाणी पढ़ा करते थे, सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी बंदे सभी निरंजन डोरी। इसका क्या अर्थ है कि कबीर परमात्मा कहते हैं कि 33 करोड़ देवता 88,000 ऋषि ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक ये सभी काल की डोर के बंधे हुए हैं, इस काल के जाल से बाहर नहीं है। आज इन सदग्रंथों ने यानी पुराणों ने स्पष्ट कर दिया इनके इतिहास ने कि इनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था। अब परमात्मा क्या बताते हैं, भाई और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लागरे, के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। अब कहते हैं और बात तेरा काम नहीं आवे संतों शरण लाग रे, तत्वदर्शी संत जब मिल जाता है कहते हैं उनके साथ लगो उनके ज्ञान को ग्रहण करो, और बात तेरा काम नहीं आवे संतों शरण लाग रे, और केस हो गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे। परमात्मा के पाणी की विधि कौन सी है और हम कर के रहे थे, अब आपको जाग जाना चाहिए। पुण्यात्माओं ये कलयुग का जो समय है ये प्राइम टाइम है, ये भक्ति युग है, मोक्ष टाइम है, मोक्ष समय है। जिन पुण्यात्माओं को इस प्राइम टाइम में मनुष्य जीवन प्राप्त है और जिनको ये तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया उनका बेड़ा पार है, उनका मोक्ष निश्चित है, लेकिन उसके लिए परमात्मा ने कुछ फार्मूले बता रखे। कहते हैं द्वार धनी के पड़ा रहे धक्के धनी के खावे, और 100 काल झकचोल ही पर द्वार छोड़ नहीं जावे। फिर क्या बता है कि राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कदे तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। शरीर को एक पिंड बोलते हैं, पिंड पिंड कहो अंड कहो चाहे ब्रह्मांड कहो, पिंड तो यह शरीर है
अंडाकार ये पूरा ब्रह्मांड है, इसलिए इसको अंड भी बोल देते हैं पूरे ब्रह्मांड को, और ब्रह्मांड भी कहते हैं इसी को। और इस पिंड यानी शरीर में इस एक ब्रह्मांड की जो कुछ भी रचना घटना जहाँ भी घट रही है उसको इस शरीर के अंदर देखा जा सकता है। इसमें चैनल लगे हैं, कमल लगे हैं हमारे, मूल कमल, स्वाद कमल, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल और त्रिकुटी कमल और सहस्रार कमल। अब जो भी कमल ऑन हो गया जिसका, जैसे टीवी में चैनल होते हैं, जौन सा चैनल चालू हो गया जिसका, उसमें जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें देख सकते हो टीवी में आप, लेकिन वो होता कहीं पर है, दिखता यहां पर है। ऐसे ही एक ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ भी साधन व्यवस्था है इस शरीर में आप देख सकते हैं, लेकिन ये तो एक ब्रह्मांड तक दिखाएगा, इससे बाहर नहीं है। तो कहा है अंड और पिंड के पार सो देश हमारा है। अब कहते हैं ध्यान लगाओ, बस समाधि लगा लो। अरे झूठा ज्ञान ध्यान कहा लाओ, जब तारा ज्ञान एक अन्य का नहीं, तुम ध्यान कहा लगा रहे हो? ये बाद विदा चतुराई, ये चतुरता दिखा रहे हो, एक बाद विवाद करके तुम ज्ञान ग्रहण नहीं कर रहे, परमात्मा के मार्ग को समझ नहीं रहे। तो इसलिए बताते हैं और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लागरे, के सोव गफलत में बंदे, जाग जाग नर जागरे, जाग जाग नर जागरे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, ये करता रहे दिमाग रे, तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे, उमदा चोला बण अनमोला, लगे दाग पे दाग रे, दो दिन की गुजरान जगत में, क्यों जले बिराणी आग रे, जले बिराणी आग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। कोबद का चढ़ी चढ़री चित पे, तू हो रहा मनुष्य ते नाग रे, कोबद का चढ़ी चढ़री चित पे, तू होया मनुष्य से नाग रे, सूझे नहीं सजन सुख सागर, ये बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई हर सुमरे सो हंस कहावे, ये कमी क्रोधी कागरे, अर सुमरे सो हंस कवावे, ये कमी क्रोधी कागरे, भौरा न भर में विष के बन में, चल बेगमपुर बागरे, चल बेगमपुर बागरे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लागरे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जागरे, जाग जाग नर जागरे।
शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, ये पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमनी, ये प्रगट्य पूर्ण भाग रे, प्रगट्य पूर्ण भाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। अपनात्माओं, इसमें कितनी गहराई दी है। नितानंद जी महाराज हुए हैं ये। पुनात्माओं कहते हैं, एक कचोट सिधारिया जिन मिलन दाचा, जिन्होंने परमात्मा पाने की इच्छा है वो तो संकेत समझ जाते हैं। नितानंद जी एक ब्राह्मण कुल में थे, ब्राह्मण जाति से संबंध रखते थे, और लगभग 250 वर्ष पहले इनका जन्म था। नंदलाल इनका नाम था। तहसीलदार के पद पर विराजमान थे। आज से 250 वर्ष पहले दो तहसीलदार, आज तो शायद कमिश्नर डीसी की भी इतनी महिमा नहीं होगी जितनी उस समय एक तहसीलदार की होती थी। इतने उच्च पोस्ट को प्राप्त, और नारनौल के नवाब के यहाँ नौकरी करते थे। इनके नाना जी भी वहाँ थे, उन्होंने इनको लगवाया था। इनके माता पिता मर चुके थे, नाना नानी ने इनको पाला पोसा था। एक दिन रात्रि के समय इसने सत्संग सुन लिया, अपनी छत पर बैठा था। गर्मियों के दिन थे, पहले लाउड स्पीकर नहीं होते थे, साधु संत में बहुत मोटी आवाज के होते थे, दूर तक सुना दिया करते थे। सत्संग के अंदर यही सुनाया गया था कि कोटि जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगे रे, पता नहीं किन किन पदों पदवियों को तूने प्राप्त कर लिया, फिर जन्म मृत्यु में लगा रहा। अब वो संत थे कौन? वो वैष्णो परंपरा के विष्णु जी के उपासक संत थे, गुमानी दास जी। अपनात्मा, ज्ञान वही है, प्रेरणा का जो ज्ञान है वो सभी साधु संत भक्त बता देते हैं कि भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा के नाम बिना ऐसे कष्ट होते हैं, भक्ति करने से ऐसे लाभ होता है। तो उसके वो बात रात ने बहुत गजब की खटकी। पुण्यात्मा थे, पिछले संस्कार प्रबल थे, तो नितानंद जी ने रात्रि में यह सत्संग सुना कि भाई, कहते हैं, स्तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे। उसका तो चोट लग रही थी, क्योंकि माँ बाप मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, और एकदम वह बात घर कर गई कि भी अपनी अपनी सोच में सभी सेट हुए बैठे हैं, मृत्यु एक सेकंड में हो जाती है, सब धरा धरा रह जाता है, तो ये क्या जीवन है जीव का। तो उसका बात खटक गई। उसने सोचा भाई, अब मैं संत के पास जाकर, वो किसी के घर में सत्संग कर रहे थे, कि यहाँ जाकर जब मैं नाम के लिए याचना करूँगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। एक तो मैं ब्राह्मण जाति थे, आज तो 250 वर्ष पहले ब्राह्मण ने सुप्रीम मान्या करते अपने आप को, और फिर ऊंच पोस्ट तहसीलदार जी, यह भी तगड़ी बीमारी, मान बढ़ाई भी जीव में बाधक करती है भक्ति में जीव के लिए।